हम खड़े हैं सरायकेला खरसवां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया बाजार में। आपको बता दें, जनता मध्य विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, जो सरायकेला जिले के बहुत ही पुराने स्कूलों में से एक आती है, हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करती थी। 1952 में इस स्कूल का स्थापना किया गया था यहाँ कुछ जनता के द्वारा। आपको बता दें, ये स्कूल 1982 तक सिर्फ जनता हाई स्कूल के नाम से ही जाना जाता था, जनता मध्य विद्यालय के नाम से, सॉरी। लेकिन 1982 में यहाँ गम्हरिया इंग्लिश स्कूल की भी एक नींव पड़ी। कैसे पड़ी हम आपको बताते हैं। जनता हाई स्कूल के जो मेंबर थे, कहा जाता है कमेटी मेंबर या जो यहाँ पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने आप को कमेटी मेंबर बना लिया और उन्होंने अपने द्वारा इस इंग्लिश मीडियम स्कूल को गम्हरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम दिया, जो इन जनता मध्य विद्यालय के कैंपस में आता है। और वो स्कूल 1982 से चलते चलते 2011 में अपना खुद का यहाँ अस्तित्व स्थापित कर लिया। बताते हैं कैसे। जनता मध्य विद्यालय के जो लोग थे, जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको कमेटी मेंबर मानकर और उस कमेटी के कुछ लोग के साथ मिलकर सुब्रतो राय ने अपने नाम पे 40 वर्ष का लीज ले लिया 2011 में। और भी दिलचस्प बात यह है कि जब इसकी भनक 2019 में ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण हक्के बक्के रह गए और ग्रामीणों ने यह कहा कि आखिर लीज देने का अधिकार इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कौन दिया और कैसे इस कमेटी का गठन हुआ और ये कमेटी मिलकर कैसे सुब्रतो राय को, जो गम्हरिया इंग्लिश स्कूल चला रहे हैं, उनको 40 वर्ष के लिए लीज दे दिया। जब उन्होंने बात की कुछ ग्रामीणों से, जिनके पूर्वजों के द्वारा, उनका कहना है कि मेरे पूर्वज ने ये ज़मीन इसलिए दी थी कि यहाँ गरीब लड़कों और लड़कियों जो असहाय हैं या फिर निर्धन हैं या फिर जो अशिक्षित हैं, वो यहाँ पे आके अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकते। जनता मध्य विद्यालय जो आपका स्कूल था, हाँ, वो किसका है? अरे बोलो, हम लोग तो जनता का ही वो स्कूल था। हम लोग इतना जब छोटा था ना, हम लोग वहाँ पर पढ़ रहा था है? अभी तो हम लोग को तो ऐसे में आ गया है, अभी तो कुछ बोलने का नहीं है। हम लोग का कमेटी मेंबर जो कैसे खा गया है वो हम लोग को कैसे मालूम होगा। लेकिन हम लोग का जनता का स्कूल जो था, हम लोग जनता का ही रहना चाहिए ना। तो अभी गम्हरिया इंग्लिश स्कूल इस नाम से जाना जा रहा है, तो वही तो बात है ना। गम्हरिया जनता स्कूल जो था, इंग्लिश स्कूल कैसे होगा, कैसे हुआ इंग्लिश स्कूल? स्कूल कहाँ गया? जनता स्कूल का जमीन कौन दिया था? जनता स्कूल का जो जमीन दिया था, हम लोग का जनता उतना तो मैंने जरा गाँव वाला ही तो था ना, समझ गया ना, गाँव वाला ही का होगा जनता का जमीन। हम लोग को उतना तो बूढ़ा पढ़ रहे हैं, हम लोग बूढ़ा बोल सकता है, लेकिन हम लोग इतना छोटा सा पढ़ा है करीब। सर क्या नाम है आपका? मनोरंजन बेद। एक ही मामला आया है कि मतलब जो आपका जनता मध्य विद्यालय था उसमें एक लीजीकरण का बात हो रहा है, लीज लिया गया है 40 वर्षों के लिए सुब्रतो राय के लिए हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? वो जमीन को कैसे कोई लीज दे सकता है, क्योंकि वो तो जमीन, हमारा तो यही कहना है कि वो जमीन जो लीज दिया उसके नाम से तो जमीन नहीं है जी। वो कमेटी वाला को, कमेटी गांव वाले कमेटी किया है, वो कमेटी वाला इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है 40 साल के लिए किसी को लीज दे दे। अच्छा, एक बात और पूछेंगे आपसे, क्या वो जमीन गाँव वाले लोग ही दान में दिए हैं? ये जमीन आज भी इनके प्रामाणिक लोग के नाम से रिकॉर्ड है, अभी दास हो गया, विशंबर दास अभी भी रिकॉर्ड है। तो विशंबर दास के यहाँ से कोई आदमी उसको कुछ लिखा है या कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं, नहीं। दान में दे दिया, दे दिया। तो दान में तो स्कूल को दिया गया, स्कूल को दिया। तो फिर ये जो जनता मध्य विद्यालय और जमीन है, फिर ये लीज कैसे उनको दे दिया गया? तो हम लोग का क्वेश्चन कि कैसे वो लोग को लीज मिला 40 साल का। ये लीज वाला जो कागज है वो फ्रॉड है, वो फर्जारी किया है। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जनता मध्य विद्यालय, जनता मध्य विद्यालय का रहे और अंग्रेजी स्कूल जो प्रोडक्ट 1982 से उसमें इस स्कूल चल रहा है गम्हरिया इंग्लिश स्कूल, और जो उसका फी स्ट्रक्चर है वो भी अधिक है, तो क्या उसका पैसे का कुछ हिसाब किताब भी आप लोगों को बताया गया था? ऐसा हम लोग को पैसे का हिसाब देखिए, वो लोग उस समय जो हम लोग को बोला गया था कि हम लोग कुछ साल के लिए लीज दे रहे हैं, 5 साल 6 साल के लिए, मगर ये जो ये लोग 40 साल कर लिया ये तो नहीं बोला था।
दूसरा वो अपना स्कूल अपना ढंग से चलाता है, उसके लिए हम लोग को कोई है नहीं है। हम लोग का एक ही है वो 40 साल वाला, जिस समय तो जनता मध्य विद्यालय में कोई भी इंसान जाकर के अपने स्कूल संचालित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जनता विद्यालय पूरा गमरिया जनता का है, वो पूरे गमरिया जनता के लिए वो वाला स्कूल दिया गया है। वो स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो पूरे गमरिया का जनता मिल के वहाँ पर सेवा कार्य करके वो वाला बनाया। नहीं तो अभी उस स्कूल का, अभी उस स्कूल का कोई निजीकरण तो नहीं कर सकता ना? ना निजीकरण नहीं कर सकता, कैसे निजीकरण? तो ये जनता मध्य विद्यालय चल रहा, तो इसका तो कोई कमेटी होगा ना आप लोगों के पास भी? जनता मध्य विद्यालय का जो कमेटी है उसमें संतोष दास, संतोष प्रामाणिक, शंकर दास, एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी। उसके बाद ये दोनों को जब हम लोग बुलाए हम लोग के सामने वो आया ही नहीं। दूसरा जितना कौन कौन कमेटी में है ये भी कोई कुछ नहीं बोला। तो वो जब दोनों आता ही नहीं हम लोग के सामने, जनता के सामने वो आता ही नहीं। अपने आप में कमेटी बनाया हम लोग। आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं उस स्कूल को लेकर? ये चाहते हैं इंग्लिश स्कूल बंद हो जाए, इंग्लिश स्कूल को हम लोग नहीं देंगे। इंग्लिश स्कूल को अगर लेना है गुमारिया का पूरा सबके साथ बैठ के वो लोग बात करें, अगर जनता देना चाहेगा तो देगा, नहीं देगा। लेकिन तो एक आज के डेट में आपको हम बताते हैं ये जनता मध्य विद्यालय विलुप्त हो चुका है, इसका कोई साख नहीं है। ये साख मात्र एक छोटे से नाम मात्र में सीमित रह गया है कि जनता मध्य विद्यालय इन कैंपस गुमारिया इंग्लिश स्कूल, जिसका जीता जाता सबूत हम आपको दिखा चुके हैं। और इस स्कूल का आज भी रजिस्ट्री जनता मध्य विद्यालय के नाम से ही है, और वो जनता मध्य विद्यालय का जो रसीद कटता है वो जनता मध्य विद्यालय के नाम से ही कटता है। सरकार के घर में जनता मध्य विद्यालय का ही नाम है, ना कि गुमारिया इंग्लिश स्कूल का। लेकिन गुमारिया इंग्लिश स्कूल 2011 में जिस तरह से इनके पास पेपर है, यहाँ कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो बोलते हैं हम इस कमेटी के मेंबर हैं, उनके द्वारा सुब्रत राय ने कैसे इसको अपने आप पर रजिस्टर्ड कराया और 40 वर्षों के लिए कराया, ये तो काफ़ी जांच का विषय है। फिलहाल जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे पूर्वज ये ज़मीन दान में दिए थे, उस समय बिहार सरकार हुआ करती थी, उनको दिया गया 1952 में दान में, और उस समय से ये स्कूल जनता मध्य विद्यालय के नाम से ही चलती थी। जनता के सेवक के रूप में, जनता को शिक्षा देने के रूप में ही इस स्कूल का नींव डाला गया इस गुमारिया प्रखंड के क्षेत्र में, जो गुमारिया मेन रोड के सटे है एकदम ये स्कूल। और बता दें आपको एक सबसे बड़ी बात कि ये ज़मीन पे जिस जिसकी नज़र है वो काफ़ी भी धनाढ़य और बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं, क्योंकि ये ज़मीन की अगर कीमत आकी जाए तो आज के डेट में ये ज़मीन की कीमत 500 करोड़ में है। फिलहाल कीमत की बात तो है ही, साथ ही साथ जनता मध्य विद्यालय की अगर ज़मीन है तो जनता मध्य विद्यालय के नाम से ही संचालित होनी चाहिए थी, न कि गुमारिया इंग्लिश स्कूल के नाम से संचालित होनी चाहिए थी। खैर, हम लोगों ने कुछ पदाधिकारियों से ही बात की है जिनका कहना है कि अगर ये सरकार की नज़र में है और सरकार को दान दी गई ज़मीन है तो किसी कमेटी का कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं है जो इस ज़मीन को किसी और के नाम से एक वर्ष के लिए भी, क्या एक दिन के लिए भी, क्या 40 वर्ष तो दूर की बात है, एक दिन के लिए भी किसी को लीज नहीं दे सकता। सर, जिस तरह से जनता मध्य विद्यालय को गुमारिया इंग्लिश स्कूल के नाम से दे दिया गया है 40 वर्ष का लीज, और जो उसके शिक्षक थे जो उसमें पढ़ाते थे अपने आप को कमेटी मेंबर मान के, जो सुब्रत राय को जो दिए हुए हैं 40 वर्ष के लिए लीज, ये कितना सर सही है? ये एक्चुअली क्या है कि अभी उस विद्यालय का गुमारिया इंग्लिश स्कूल के RT के तहत 128 के मान्यता के संबंध में जांच आया है, जिसमें हमारे अंचल अधिकारी महोदय हैं, मैं हूं, ADPO सर हैं और एरिया अफसर हैं, फोर मैन कमिटी है। इसकी जांच परसों करनी थी 25 को, व्यस्तता के कारण नहीं कर सके हैं, उसको रद्द कर दिए हैं। नेक्स्ट उसका डेट हम फिर देंगे और उसकी जांच हम करेंगे। तो हमको RTE के तहत जो जो क्राइटेरिया है RTE में मांगा गया है उसका हम देखेंगे। जहां तक आप जो बोल रहे हैं ये बृहद जांच की, इसमें बृहद जांच की आवश्यकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो पहले जनता विद्यालय था, अब वो गुमारिया इंग्लिश स्कूल के उसी के नाम से रसीद कट रहा है जनता मध्य विद्यालय के नाम से। हो सकता है, ये हमारे जो कमेटी में अंचल अधिकारी महोदय है वो इस संबंध में विस्तृत अपना प्रतिवेदन में बनाने में जो है उनका सहयोग रहेगा, उनका आदेश रहेगा, तो उसको तो हम लोग देखेंगे ही। इसलिए जब तक
कोई हम उस विद्यालय का गहराई से जांच नहीं कर लेते हैं। सर जो स्कूल चल रहा है जनता मध्य विद्यालय, क्या उसके जो लोग हैं वो किसी और आदमी को 40 या 45 वर्ष के लिए लीज देने के लिए अधिकृत है क्या? ये इसे इसके संबंध में जो है कुछ किताबें देखनी होंगी, क्योंकि ये एक नया मामला मेरे समक्ष आया है और ये पूर्णतः राजस्व से संबंधित मामला है, राजस्व विभाग से संबंधित मामला है। तो इस संबंध में हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे और कहेंगे कि क्या सर ये जो है कोई कमिटी वो लीज पर दे सकती है कि नहीं, ये पूर्णतः राजस्व का मामला है। सीओ साहब से इस संबंध में हम लोग बात करेंगे, चूंकि इस कमिटी में सीओ साहब भी हैं। जी कैसे सर वो लीज कैसे दिए थे उस समय? हम ये था जॉब इंडिया प्रेसिडेंट था और शंकर दास सेक्रेटरी था और हेडमास्टर था, हेडमास्टर तो उस समय चलाने के लिए स्कूल का पोजीशन बहुत खराब हो गया था जी। तो लीज में दिया था। तो 40 साल के लिए दिया गया था? 40-45 दिया है, देखना पड़ेगा लीज में। तो वो लीज देने का सर अधिकृत आप लोग हैं थे उस समय? हाँ उस समय थे, कमेटी में थे। तो आप लीज किसी को दे सकते थे? अभी कमेटी में कौन? अभी कमेटी में हम नहीं, हम तो अभी जो कमेटी में, तो लीज को भंग भी कर सकता है? हाँ कर सकता है, कर सकता है। अभी कमेटी में कौन कौन? अभी कमेटी में गणेश चौधरी है, शंकर दास है और रीमा चौधरी, ये रीमा है उसका हेडमास्टर। तो सर एक बार बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश स्कूल में आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, माने हजारों से ऊपर हैं, एक आरोप लग रहा है कि आपने उस जमीन को घेरने का प्रयास किया अपने स्वार्थ के लिए कि उसमें मॉल बनाएंगे और बिल्डिंग बनाएंगे, जो वहाँ रीमा एक टीचर है उनके द्वारा जो कहा गया, तो क्या कहेंगे? देखिए वो जो आरोप लग रहा है सरासर गलत है, ठीक ना? उसमें ना कोई मॉल बनेगा ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेरा ले पूर्वज भी वहाँ पर पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं उसमें, उस स्कूल में। मेरा भी उतना ही दर्द है जो कि और आम हम लोग का गमरियावासी का आसपास का जो भी मैंने गांव है सब कोई श्रमदान के स्कूल को बनाया था। उन लोग का एक ख्वाहिश था कि यहाँ पर बड़ा सा अच्छा सा स्कूल बने, उसी ख्वाहिश से हम लोग गाँव वाला एक दिन ये किया कि वहाँ पर हम लोग का जनता मध्य विद्यालय है ही नहीं, वो बंद हो चुका है, तो उसमें इंग्लिश स्कूल कैसे चल रहा? इंग्लिश स्कूल को कौन दिया जमीन को? तो उसको थोड़ा आसपास के स्कूल को हम लोग देखते हैं तो लगता है कि भाई सब सुंदर सुंदर स्कूल बन चुका जी, और काफी मात्रा में फीस भी लिया जाता है वहाँ स्कूल। वो तो इंग्लिश मीडियम का हो तो सबको ही पता है कि फीस स्वाभाविक अधिक होता है, कि जिस हिसाब से स्कूल को डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो डेवलपमेंट हम लोग करने के लिए वहाँ गए कि ना कि स्कूल को हड़पने गया, इसीलिए कमेटी वहाँ जो जो है उससे बात करने गया। हम लोग शुरू में इन्फॉर्म किया कि हम लोग गांव वालों को आ रहे हैं, थोड़ा बैठ के कमेटी से बात करें, और बोला है ठीक है। लीमा से भी बात किए थे, वही बोला हाँ ठीक है आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी गांव का है, वो भी गांव का है। तो अभी आप गलत आरोप क्यों लगा रही है? देखिए वो लगाने तो कोई भी आरोप सीध करना चाहिए ना, आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं, उसको सीध करेंगे। हम लोग मन बनाने क्या थे क्या करेंगे, अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं स्कूल का डेवलपमेंट हो, जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसको वहीं रहने दिया, जो टीचर वहाँ रहता है वहीं रहने दिया, एक कमेटी का गठन हो, कमेटी के माध्यम से स्कूल संचालन हो, ना कि इंग्लिश स्कूल बंद होना चाहिए जी। क्योंकि बच्चा का भविष्य कल का सवाल है, बच्चा वहीं पढ़े टीचर भी वहीं पढ़ाए, लेकिन कमेटी वहाँ फॉर्म हो जाए कि वहाँ देख रेख कर सके कि वहाँ तो ये तो स्पेशल सुब्रतो राय के नाम से वो 40 यही गाँव वाला का आरोप है कि पर्सनल कोई व्यक्ति का सिंगल पर्सन का नाम पर कैसे स्कूल चलेंगे, जनता स्कूल आम पब्लिक का है। बात करेंगे आपको हम यहाँ के इंग्लिश स्कूल की, तो इंग्लिश स्कूल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि आज इस स्कूल में उंगली पे गिन के 10 बच्चे भी जनता हाई स्कूल मध्य विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हजार से ऊपर हजारों की संख्या में ये इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिसका फीस अपने मनमानी के ऊपर है और फीस हजारों में उसली जाती है। आपको हम बता दें कि जनता मध्य विद्यालय के कैंपस में जो स्कूल है गम्हरिया इंग्लिश स्कूल, इसका सालाना इनकम आप अंदाजा कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड 1 से यूकेजी से स्कूल शुरू होता है और स्टैंडर्ड 8 तक ख़त्म होता है, और स्टैंडर्ड यूकेजी से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक का जो फी है वो 10 और 20 रुपया तो नहीं है, अधिक मायने में इसका फीस अगर माना जाए तो मेरे ख्याल से या इस स्कूल के हिसाब से जो फीस लिया जा रहा है
वो बहुत ज़्यादा है, जिसका हिसाब किताब कहीं भी नहीं है। हम एक एग्जैक्ट स्कूल का बात इसलिए नहीं कर सकते हैं, फी का बात नहीं कर सकते हैं कि हम लोग अभी उसको नहीं देखे हैं, लेकिन आपको हमें अनुमानता बता सकते हैं कि स्कूल की फ़ी अधिक ही है, कम नहीं है। लेकिन ये स्कूल का पैसा किस मद में जाता है, किस कमेटी में जाता है और कहाँ जमा होता है, ये किसी को पता नहीं है और ना ही ये बताने के लिए कोई भी यहाँ का अधिकृत व्यक्ति तैयार है कि हम नहीं बताएंगे। सीधे तौर पे कहना है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरह से इसका विरोध करना शुरू किया, इस रजिस्ट्री का विरोध करना शुरू किया, इस ज़मीन को कैसे आप किसी को निजीकरण करके दे सकते हैं, लीज कैसे दे सकते हैं 40 वर्ष के लिए, ये बहुत जाँच के घेरे में ये बात आ रही है कि आप सही में ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि इतने दिनों के लिए, इतने सालों के लिए ये ज़मीन आपने कैसे किसी को लीज पे दे दिया। 40 वर्षों का अगर आकलन करें या फिर 1982 से लेकर 2011-2020 तक अगर आकलन करें तो ये बहुत ज़्यादा रकम इस स्कूल से जो स्कूल चलाने वाले व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस स्कूल की एक स्थिति कि जो 1952 में इसकी नींव पड़ी थी उसके बाद इस स्कूल में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत छत उत का मरम्मत अगर करा दिया गया तो बहुत है, अन्यथा इस स्कूल में कोई भी अच्छे काम नहीं हुए हैं। इस स्कूल के प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचा जा गया है और ना ही ये स्कूल प्रोग्रेस अभी तक हुआ है। अंत में 2019 और 20 की बात करें तो स्कूल पूर्ण रूप से बंद होने के कगार पे है और ये स्कूल का एक अपना निजीकरण का एक मामला नया सामने जो आपके सामने आ रहा है कि ये मध्य विद्यालय के नाम से आज भी, जनता मध्य विद्यालय के नाम से आज भी स्कूल है और आज भी ये स्कूल उसी के नाम से रसीद कट रहा है और जनता मध्य विद्यालय के नाम पर ही अंकित है सरकार के खाते में। लेकिन यहाँ कुछ चंद लोग, चंद यहाँ के शिक्षक या जो स्कूल में पढ़ाते थे वो कैसे हकदार हो गए किसी और को लीज देने के लिए, भी दूसरे नाम से जनता मध्य विद्यालय के नाम को हटा करके गम्हरिया इंग्लिश स्कूल है कोई एक अपना बैनर दे करके और उसके नाम से 40 वर्षों के लिए लीज दे दिया जाता है। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा जांच का यह विषय है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ और काफ़ी खरीद फरोख्त की और इस तरह की न जाने कितनी इसमें खामियाँ नज़र आएंगी जो बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि यह स्कूल आम जन के लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जनता मध्य विद्यालय आम जनता के लिए ही बनाया गया था और इसकी नींव डाली गई थी। टुडे एक्सप्रेस से सुनील कुमार की रिपोर्ट, सरायकेला।